जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड गार्डनिंग। पोटैटोस यानी आलू, ये विंटर वेजिटेबल है। मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किए थे और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पोटैटोस ग्रो करने का। ये ग्रोसरी बैग था जिसमें मैंने ग्रो किए। और पोटैटोस कैसे ग्रो करते ये मैंने इंटरनेट से थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। और कुछ प्लांट थे वो जल गए और बाकी प्लांट से मुझे वो कुछ पोटैटोस वगैरह मिल गए थे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पोटैटोस मैंने कैसे ग्रो किए। सबसे अहम बात वो आपको याद रखनी चाहिए कि जो पोटैटो सीड्स आप लगा रहे हो सोइल में उस पर आँखें होनी चाहिए, यानी जिसको हम पोटैटोस आइज भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ही पोटैटोस की ग्रोथ होगी और पोटैटोस प्लांट बनेंगे। पोटैटोस को सोइल में लगाने की गहराई एटलीस्ट 8 इंच होनी चाहिए। और इसके बाद पोटैटोस को आप कट करके या कट के बगैर भी सोइल में लगा सकते हैं। और यहाँ पे आइज हों तो वहाँ से ही आप पोटैटोस को कट करें। और पोटैटोस लगाने के बाद आपने इनको अच्छे से सोल से कवर कर देना है। और जब टैटस प्लांट्स इतने बड़े हो जाएं तो इनको एटलीस्ट 4 to 5 आवर सनलाइट मिलनी चाहिए। टैटस प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है। टैटस प्लांट को सख्त सर्दी और कोहरे से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम पोटैटोस प्लांट्स को कोहरे और सर्दी से नहीं बचाएंगे तो इसके जो प्लांट्स हैं वो जल जाते हैं। और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से पोटैटोस प्लांट गल जाते हैं। तो जब पोटैटोस प्लांट ऐसे ड्राई होने लगे तो इट्स मीन के इसके अंदर यानी सॉइल के अंदर पोटैटोस हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं। और मेरे तो कुछ पोटैटोस प्लांट थे वो तो अलग गए थे और ये चंद एक थे। तकरीबन 100 डेज बाद ही मैंने पोटैटोस को हार्वेस्ट कर लिया था। और पोटैटो के लिए जो आप सोइल यूज़ कर रही हूँ तो वो वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए, क्योंकि वेल ड्रेन सोइल में पोटैटोस का साइज़ अच्छा रहता है, वरना पोटैटोस का साइज़ छोटा हो जाता है। तो जो पोटैटोस मैंने हार्वेस्ट किए थे वो आप वीडियो की एक जन्म दे सकते हैं।
आपने देखा कि मैंने टैटर्स कैसे ग्रो किए, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कुछ मिस्टेक वगैरह भी हुई, मिस्टेक ये कि ग्रोसरी बैग था उसका कपड़ा बहुत बारीक था, जिससे सोल थी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती थी और टैटर्स का साइज़ भी छोटा ही रहा। इस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेचर एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव इज, टेक केयर एंड बाय बाय। Seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the